मैंने लास्ट वीडियो में जिक्र किया था कि मेरे पास एवेंजर्स 4 के हवाले से एक थ्योरी है जो कि मैंने एक जगह पर पढ़ी है, और अगर आप वो उस थ्योरी को सुनेंगे तो आपका दिमाग हो जाएगा। और इस थ्योरी के मेजर दो पार्ट्स हैं, पहला है निक फ्यूरी से रिलेटेड और दूसरा है आयरन मैन से रिलेटेड। अब जो निक फ्यूरी वाला है वो कम इंटरेस्टिंग है, लेकिन जो टोनी स्टार्क वाला है वो बहुत ज़्यादा पार्ट इंपॉर्टेंट है और आप सुनेंगे तो आपको यकीनन मज़ा आएगा। तो थ्योरी ये कहती है कि जो आपके पास निक फ्यूरी का करेक्टर है वो पहले ही से सब कुछ जानता था, यानी कि ये एमसीयू की जितनी भी मूवीज़ हैं, यानी कि जितना भी कुछ एमसीयू में अभी तक हुआ है वो सारा पहले ही से निक फ्यूरी को पता था और ये सारा प्री प्लान था। और थ्योरी का ये कहना है कि कैप्टन मार्वल में हमें ये दिखाया जाएगा कि क्री एलियंस की वजह से उसको आगे का फ्यूचर पता चल जाता है, यानी कि पूरा फ्यूचर नहीं पता चलता लेकिन जो आगे आने वाले जो खतरे हैं उनके बारे में उसको झलकियां पता चल जाती हैं, यानी कि उसको ये पता चल जाता है कि ये इवेंट होने वाले हैं। अब आप सोचेंगे कि ये किस तरह, ऐसे कैसे पॉसिबल है। कभी आपने गौर किया कि निक फ्यूरी का करेक्टर किस तरह का है, कि वो कहीं भी कभी भी टपक पड़ता है जहां पर उसकी ज़रूरत होती है और वो आकर कोई ऐसी बात कहता है कि जिससे मोटिवेशंस मिलती हैं और अवेंजर्स वही काम करते हैं जो वो चाहता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपने एज ऑफ अल्ट्रॉन वाली मूवी देखी होगी तो वो जो बाण सीन है जब वो हॉकाई के घर में मौजूद हैं तो टोनी स्टार्क ट्रैक्टर ठीक करने के लिए एक फार्म में जाता है, तो लेकिन वहां पर एकदम से ये निक फ्यूरी टपक पड़ता है और वो टोनी स्टार्क को मोटिवेट करता है कि जाकर वो दोबारा विजन को बनाए, यानी कि पहले जो उसने काम किया था उसके ऑपोजिट जाकर करे और विजन को बनाए, जिससे उन्होंने विजन को बनाया और अल्ट्रॉन को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया। हालांकि हमें कोई भी आइडिया नहीं है कि निक फ्यूरी वहां पर कैसे पहुंचा, लेकिन उसने पहुंचकर वो काम कर दिया जिसकी वजह से अल्ट्रॉन को डिस्ट्रॉय किया गया, यानी कि वो पहले ही से जानता था कि ये सब होने वाला है और उसने आकर बस स्टार्क को मोटिवेशन प्रोवाइड किया जिसकी वजह से सारा कुछ हो गया। दूसरी बात ये कि कभी आपने उसकी बातों में कॉन्फिडेंस देखा है, आपको फील होगा कि जैसे वो कुछ जानता है और बाकी सब वो नहीं जानते, यानी कि जब वो टोनी स्टार्क के घर आता है स्टार्क टावर में और उसको एवेंजर्स इनिशिएटिव के बारे में बताता है, तब अगर गौर किया हो तो उसको वो कहता है कि तुम एक बड़ी यूनिवर्स यानी कि सुपर हीरो बड़ी यूनिवर्स का हिस्सा बन चुके हो, तुम अकेले सुपर हीरो नहीं हो। और इसके अलावा ये भी है कि निक फ्यूरी का पता था कि शुरू से ही थैनोस कौन है, और अगर वो न्यूक सीन याद हो आपको एवेंजर्स 2012 वाली में, कि जब टोनी स्टार्क वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब को लेकर ऊपर की तरफ जाता है और उन बड़ी शिप को डिस्ट्रॉय करता है, तो उसमें निक फ्यूरी उस न्यूक्लियर बॉम्ब को रोकने के लिए एक जेट को भी डिस्ट्रॉय करता है, यानी कि जैसे उसे पता हो कि एवेंजर्स उस पोर्टल को बंद कर देंगे, और अगर ये न्यूक उस पोर्टल की मदद से ऊपर गया तो थैनोस को अर्थ की कैपेबिलिटीज का पता चल जाएगा और अर्थ उसके लिए एक टारगेट बन जाएगी, और उसको ये भी पता चल जाएगा कि टोनी स्टार्क कौन है। और इसी बात को हमने इन्फिनिटी वॉर में भी देखा, जब थैनोस कहता है कि वो टोनी स्टार्क को जानता है तो शायद उसके जो न्यूक्लियर बॉम्ब को ऊपर ले जाने के वाले चक्कर में जो सीन है इसकी वजह से वो टोनी स्टार्क को जानता हो। अब यहीं से बात निकलती है टोनी स्टार्क की, और जो टोनी स्टार्क वाली बात है ना उसमें आपके पास है टाइम ट्रेवल इन्वॉल्व। अब जैसा कि हमने सुना है कि टोनी स्टार्क और स्कॉट दोनों टाइम ट्रेवल करेंगे और वो पास में जाकर सारे स्टोन्स को इकट्ठा करेंगे, और उन स्टोन्स में से एक स्टोन है सोल स्टोन, जिसको लेने के लिए आपको एक बड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ता है उस चीज का जिससे आप बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हो, और हमें ये भी पता है कि वो इन स्टोन्स को लेने के लिए पास में जाएंगे। तो आप ऐसे कंसिडर करें कि टोनी स्टार्क सोल स्टोन को लेने के लिए गया है और उससे सेक्रीफाइस मांगा गया है, तो पहले उसके जहन में आता है कि वो पेपर पॉट का सेक्रीफाइस करे क्योंकि वो उससे ज्यादा सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है, लेकिन फिर उसको याद आएगा कि वो उससे भी ज्यादा किसी चीज से मोहब्बत करता था और वो थे उसके माँ बाप, और वो उनका सेक्रीफाइस करेगा जिसको बाद में जाकर बकी मारेगा, यानी कि उसके माँ बाप की मौत उसी की वजह से हुई है। और अगर आप गौर करें तो उसकी माँ बाप की मौत 1991 में हुई है और जो कैप्टन मार्वल है वो 1990 की है, और आप सोचें कि जब उसको अपने माँ बाप का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा तो तब उसे ये पता चलेगा कि उसके माँ बाप की मौत उसकी वजह से हुई है और उसका इल्ज़ाम वो पूरी ज़िंदगी बकी को देता रहा है, तो वो उसके अंदर जो गिल्ट होगा ना उस टाइम वो देखने वाला होगा अगर ऐसा होता है। और हमें ये तो पता है कि बकी ने उसके माँ बाप को मारा है, लेकिन ये नहीं पता कि उसको ट्रिगर करने वाला कौन था, यानी कि आपको पता है कि बकी उस टाइम एक मंत्र से चलता था, तो मंत्र पढ़ने वाला कौन था, तो क्या पता उस टाइम हाइड्रा के हेडक्वार्टर में पास में जाकर टोनी वहां पर पहुंचा हो और अपने माँ बाप का सेक्रीफाइस करने के लिए उसने बकी पर मंत्र पढ़कर खुद उसको कहा हो कि जाके वो मारे उसके माँ बाप को। जब मैंने ये थ्योरी पहली दफ़ा सुनी थी ना मैं एकदम से होश उड़ गए थे मेरे कि यार क्या थ्योरी है यार, लोग क्या क्या बनाते रहते हैं पूरा दिन बैठकर। अब इस थ्योरी का आखिरी पार्ट यह है कि टोनी स्टार्क जैसे पता है पास में जाते हैं और वो न्यूयॉर्क वाले बैटल में भी आएंगे 2012 वाले में, तो क्या पता वो वहाँ पर कैप्टन अमेरिका से जाकर कहे कि तुमने सोकोविया अकॉर्ड्स पर दस्तखत नहीं करने, यानी कि वो उसे पहले ही बता जाए कि ऐसा कुछ होने वाला है और अगर ऐसा कुछ हो तो तुमने उसके ऊपर दस्तखत नहीं करने, जिसको हमने सिविल वॉर में देखा था। खैर इस बात में इतनी जान नहीं लगती, लेकिन फिर भी सोचने वाली बात है कि क्या पता ऐसा पॉसिबल हो।
तो ये थी वो थ्योरी जिसका मैं जिक्र कर रहा था। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को कितनी इंटरेस्टिंग लगी है, लेकिन जो टोनी स्टार्क वाला पार्ट है वो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा है। तो आप लोग मुझे बताएं कि आपको ये थ्योरी कैसी लगी, और अगर आपको ज़रा से भी पसंद आई हो ना तो वीडियो पर लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, जो कि बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चैनल के लिए। तो खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह हाफिज़।